वेलकम व्यूवर्स, वेलकम टू सोमी किचन। आज हम बनाएंगे चॉकलेट मॉइस्ट केक। उसके लिए हमें जो जो चीजें चाहिए वो है ग्रेजुएटेड शुगर, ये जो आम घर की चीनी होती है वो है 400 ग्राम। ये मैंने मैदा लिया है, ठीक है, ये 250 ग्राम है। हॉट वाटर गर्म पानी ये 200 ग्राम है, ठीक है, ये फुल गर्म होना चाहिए। ये मैंने ले लिया है बेकिंग पाउडर 2 टीस्पून, ये बेकिंग सोडा है 1 एंड 1.5 टीस्पून, और सॉल्ट है इसके अंदर, ये देखें, ठीक है, ये है 1/4 टीस्पून। ये कोको पाउडर है, डार्क कोको पाउडर, ठीक है, ये मैंने 60 ग्राम लिए है। दूध है, ठीक है, ये 250 ग्राम है। ऑयल 100 ग्राम। अंडे 2, ठीक है। अब मैं आपको तरीका बताती हूँ, आप लोगों ने जब भी ये केक बनाना है आप लोगों ने क्या करना है कि आपने ये जितने ड्राई इंग्रेडिएंट्स हैं इन सारों को छान लेना है, ठीक है। इसको हमने अच्छी तरह से छान लिया। अब मैं क्या करूंगी, ये सारी चीजें जो है, एक ये बाउल ले लूंगी। अब मैं क्या करूंगी, मैं एक बाउल ले लूंगी, इसके अंदर मैं सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स जितने हमारे हैं, हमने वेट नहीं डाला, हमने जस्ट ड्राई इंग्रेडिएंट्स इसके अंदर डालने हैं सारे, ठीक है। ये आप लोग के लिए जरूरी है, आप लोग जब भी बेकिंग करें, केक वगैरह बनाए, आप लोग के पास ये इस तरह का स्पैचुला और ये एक जो ये व्हाइट विस्क है, ठीक है, ये आप लोग के पास होनी चाहिए। ये देखें, कोको पाउडर, बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा और सॉल्ट, ठीक है, ये हमने डाल के इसको हमने मिक्स कर लेना है, ठीक है। इसको अच्छी तरह मिक्स करके इसमें शुगर डालेंगे और इसको भी अब हम मिक्स करेंगे, ठीक है। ये हमारे सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स इसके अंदर चले गए हैं, ठीक है। ये देखें, ये मैंने सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स इसमें मिक्स कर लिए अच्छी तरह से, ठीक है। अब मैं क्या करूंगी, एक अलग बाउल लूंगी, इसके अंदर मैं दोनों अंडे डालूंगी, इसको मैं हल्का सा बीट करूंगी, ठीक है। ठीक है, हमने ज्यादा नहीं बीट करना है, इसको हल्का सा बीट किया, इसी के अंदर मैं मिल्क ऐड करूंगी और इसी के अंदर ऑयल, ठीक है। मेक श्योर कि आपकी जितना भी ये है, कि जारी बात है हमने इसकी क्वांटिटी करनी होती है, जो भी लगा हो आप लोग इसको स्पैचुला से अच्छी तरह उतार लें। ठीक है, अब इसको अच्छी तरह से मैं बीट करूंगी ताकि ये मिक्स हो जाए, ठीक है। ये कहीं मिक्स हो गया। अब मैं क्या करूंगी, ये जो मेरा इंग्रेडिएंट है ड्राई, इसके अंदर मैं ये सारा मिक्सर डाल के इसको अच्छी तरह से मिक्स करूंगी, ठीक है। अभी मैंने गर्म पानी नहीं डाला, हमने जो दानेदार चीनी डाली है, जब वो हम गर्म पानी डालेंगे तो वो खुद ब खुद जो है मेल्ट हो जाएगी, ठीक है। हमने इसको मिक्स करना है, ना इसको ओवर बीट करना है, सिर्फ इतना करना है कि ये सारी चीजें मिक्स हो जाए। मैंने आप लोगों को पहले फज केक की रेसिपी सिखाई है, ठीक है, अब मैं आपको मॉइस्ट चॉकलेट मॉइस्ट केक की रेसिपी सिखा रही हूँ, ठीक है। और इसी से आप कपकेक भी बना सकते हैं, आप सिर्फ एक कपकेक ट्रे ले लें और उसके अंदर ये जो है सारा कुछ ऐड करना है, ठीक है। इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है, थोड़ी जान लगेगी लेकिन, ठीक है। ये देखें, ये जो साइडों पे लगे हों, ये लेके स्पैचुला उससे सारे कवर्स साइड से उतार लें के साइडों पे कुछ ना लगे, और फिर इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे। देखेंगे जो ये देखेंगे थोड़ा सा रह गया, ठीक है, हमने जाया कुछ भी नहीं करना। अच्छा, मैं जब ये मिक्सचर बनाने लगी थी, मैंने जो है ओवन वो 180 डिग्री सेंटीग्रेड पे पहले ही चला के रख लिया 10 मिनट पहले, ठीक है, कि मैं ये मिक्सचर रेडी करने लगी हूँ और मैंने अपना ओवन चला लिया हुआ, ठीक है। क्योंकि 10 मिनट से पहले आपने पहले 10 मिनट इसको प्री हीट मस्ट करना होता है ओवन को, ठीक है। ये हो गया, अब मैं इसके अंदर गर्म पानी डालूंगी, ये फुल गर्म पानी है, देखें, ठीक है। ये डाल के अब मैं इसको मिक्स करूंगी पहले आराम आराम से, क्योंकि गर्म पानी है, ये ना हो कि आप ज्यादा जोर लगाएं और ये आपके ऊपर गिर जाए, ठीक है।
देखेंगे। अब हमने गर्म पानी डाला है तो हमारी जो चीनी है वो खुद ब खुद ऑटोमेटिकली इसमें मेल्ट हो जाएगी। ठीक है, ये अभी मैं थोड़ा मिक्स कर लूं। मैं साइडों से फिर दोबारा इसको कॉर्नर्स इसके साफ करूंगी स्पैचुला की मदद से, ताकि हमारा जो बैटर है वह इक्वली सारा। ये देखें मैं क्या करूंगी दोबारा से सारा मिक्सचर साइडों से करूंगी। ठीक है, ठीक है, मैं इसको अच्छी तरह से हमने मिक्स करना है और इसको ज्यादा बीट भी नहीं करना। आपको खुद फील होगा कि आपकी जो चीनी है वो बीच में मेल्ट हो गई है। ठीक है, दाने दाने से ना रहे। अगर आपका पानी गर्म होगा वो थोड़ा सा भी नॉर्मल होगा तो ये जो है हमारी चीनी इसमें जो है मेल्ट नहीं होगी। आपने इसके लिए हॉट वाटर लेना है, फुल गर्म पानी आपने इसके लिए यूज करना है। ठीक है, ये देखें, ये जो है मैंने 8x8 इंचेस का मोल्ड लिया। ये देखें, ये 2 pound का मोल्ड होता है। इसके अंदर जो है मैंने बटर पेपर जो है राउंड काट के इसके अंदर मैंने लगा दिया। ठीक है, इसके अंदर मैंने कोई ऑयलिंग नहीं की, कुछ नहीं की। ठीक है, अब मैं क्या करूंगी, ये बैटर इसके अंदर डालूंगी। ठीक है, आपने जो है इसको फुल नहीं कर देना, आपने इसको बस इतना इसको भरना है कि जाहिर बात है हमने इसके अंदर बेकिंग पाउडर बेकिंग सोडा डाला हुआ है तो ये राइस भी होगा। ठीक है, आप लोगों ने फुल कर दिया तो ये राइस होने को इसको तो जगह ही नहीं मिलेगी, तो हमने इसको थोड़ा करना है। मेरा बैटर ज्यादा था क्योंकि मैंने जो है 2 केक बनाने थे। ठीक है, एक मैं इसे छोटा वो करूंगी, वो 6x6 inches का है। 6x6 inches का है। ठीक है, ये 1 pound के जो है ना केक के लिए होता है। ठीक है, अब मैं क्या करूंगी, ये इसके अंदर डालूंगी। अगर आप लोग कप केक बना रहे हैं तो आपके इजिली जो है इसमें क्या नाम है 12 से 15 कप केक्स बल्कि इससे ज्यादा ही बन जाएंगे। ठीक है, हमने इसको अच्छी तरह से सारा बैटर उतार के हमने जो है ना मोल्ड में डाल लेने, हमने कुछ भी जाया नहीं करना। ये केक आप लोग जो बनाते हैं ना फाउंडेंट केक, उसके लिए आप लोग ये केक यूज कर सकते हैं, फाउंडेंट केक के लिए। ठीक है, फाउंडेंट केक के लिए ये वाला केक बेस्ट है क्योंकि ये फाउंडन होल्ड कर लेता है। ठीक है, इसके ऊपर जो गनाश लगती है वो भी, उसकी रेसिपी भी मैं इंशाल्लाह डाल दूंगी। ठीक है, जो फाउंडन केक के लिए जो गनाश बनती है उसकी रेसिपी भी मैं इंशाल्लाह डाल दूंगी। ठीक है, ये हमारे 2 केक हो गए हैं। देखें, ये इस बैटर में हमारे 2 केक बन गए हैं, एक 6 inches का 6x6 का और एक 8 inches का। ठीक है, ये देखें, अब मैं क्या करूंगी, इन दोनों को मैं जो हूं 35 to 40 minutes के लिए ओवन के अंदर रखूंगी। ठीक है, 180 degrees centigrade पे, और ओवन मैंने पहले ही प्री हीट किया हुआ, 10 minutes पहले मैंने ओवन चला लिया था 180 पे। ठीक है, इसके अंदर पानी है, हमने पानी ऐड किया और दूध ऐड किया, इसके अंदर लिक्विड की क्वांटिटी ज्यादा है तो ये थोड़ा ज्यादा टाइम ले सकता है बेक होने के लिए। ये एग्जैक्ट टाइम नहीं है, और आपने 20 minutes से पहले ओवन को नहीं खोलना, 20 मिनट के बाद आप ओवन खोल के अगर चेक करना है तो करेंगे, और ये एटलीस्ट 50 to 60 minutes ले जाता है। ठीक है, अब मैं क्या करूंगी, अब मैं इसको ओवन में रखने लगी हूँ और फिर आपको जो है ना मैं बताती हूँ, दिखाती हूँ आफ्टर इसके बेकिंग। ये कम व्यूवर्स, ये हमारा जो है कुछ चॉकलेट मॉइस केक रेडी है। ठीक है, इस तरह के एक स्टिक ले लें, इसको हम इसके अंदर डालेंगे। ये देखें, ये क्लियर निकला है, इट्स मीन के हमारा केक रेडी है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको मैं अभी अनमोल्ड नहीं करूंगी। ठीक है, ये गर्म है, इसको मैं अभी इसके अंदर ही रहने दूंगी और इसके अंदर ही ठंडा करूंगी। इसको क्या करूंगी, इसको मैं ढांप के रख दूंगी किसी चीज से, ताकि जो इसके अंदर मॉइस्चर है वही इसके अंदर एब्जॉर्व हो जाए, और उसके बाद हमें फिर केक को सोक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये केक हमारा जो है वैसे ही मॉइस्ट हो जाएगा। ठीक है, इसको जरूर ट्राई कीजिएगा और मुझे जरूर फीडबैक दीजिएगा। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।